नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेआईटी में। और आपके लिए हम आज लेकर आए हैं नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्लास्टिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन नायर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या तो वह परीक्षाओं में MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल्स भी बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए चलते हैं हम वीडियो पे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मोल्ड में से कौन सा मोल्ड जो होता है मल्टी डेलाइट मोल्ड की कैटेगरी में आता है। पहला ऑप्शन है ब्लो मोल्ड, दूसरा ऑप्शन है टू प्लेट मोल्ड, तीसरा ऑप्शन है स्टैक मोल्ड और चौथा ऑप्शन है कंप्रेशन मोल्ड। और दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि सही जवाब जो है वो है सी यानी कि स्टैक मोल्ड। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यह एक स्टैक मोल्ड होता है। और मल्टी डेलाइट मोल्ड वह होते हैं जो एक नहीं दो या दो से अधिक जगहों से खुलते हैं, उसे मल्टी डेलाइट मोल्ड कह सकते हैं। जैसे आपके राइट साइड में इमेज में दिखाया जा रहा है यह एक मल्टी डेलाइट मोल्ड होता है जिसे थ्री प्लेट मोल्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों स्टैक मोल्ड जो है वह मल्टी डेलाइट मोल्ड की कैटेगरी में है। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम हेडेड स्प्रूकुलर जो कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, मशरूम हेडेड स्प्रूकुलर किस प्रकार के मोल्ड में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन इस प्रकार है थ्री प्लेट मोल्ड, टू प्लेट मोल्ड, कंप्रेशन मोल्ड या ब्लो मोल्ड। और दोस्तों राइट आंसर जो है वो है आपका ए थ्री प्लेट मोल्ड। थ्री प्लेट मोल्ड में मशरूम हेडेड स्प्रूकुलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोल्ड में कोर और कैविटी पर ड्राफ्ट एंगल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे यह है ड्राफ्ट एंगल, इसे ड्राफ्ट एंगल कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन यह है आसानी से प्रोडक्ट को भरने के लिए यानी कि इजी प्रोडक्ट फिलिंग के लिए, प्रोडक्ट को सही शेप देने के लिए यानी कि गुड शेप ऑफ प्रोडक्ट, आसानी से इजेक्शन के लिए यानी कि इजी इजेक्शन या सही कूलिंग के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो है सी यानी कि आसानी से प्रोडक्ट के इजेक्शन के लिए कोर और कैविटी में ड्राफ्ट एंगल दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्प्रूकुलर थ्री प्लेट मोल्ड में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है रिवर्स कोल्ड स्लग और जेट टाइप स्प्रूकुलर, रिवर्स टेपर पिन और मशरूम हेड टाइप स्प्रूकुलर, सी ग्रुप या जेट टाइप स्प्रूकुलर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों बी रिवर्स टेपर पिन और मशरूम हेडेड टाइप जो स्क्रूपुलर होते हैं वह थ्री प्लेट मोल्ड में यूज किए जाने वाले दो स्क्रूपुलर होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गेट ऑटो डिगेटिंग होता है। ऑप्शन है स्क्रू गेट, एज गेट और फिल्म गेट, ये आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका चीजल गेट, टैब गेट या रिंग गेट। सी ऑप्शन है आपका बनाना गेट, सबमरीन गेट और पिन पॉइंट गेट। और डी ऑप्शन है आपका फ्लैश गेट, डायफ्राम गेट या रेडियल स्टार गेट। तो दोस्तों ऑटो डिगेटिंग गेट वह होते हैं जो अपने आप डिगेट हो जाते हैं इजेक्शन टाइम में। और राइट आंसर इसका है सी बनाना गेट, सबमरीन गेट और पिन पॉइंट गेट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं तीनों गेट के इमेज दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल अंडरकट के लिए मुख्यतः किस प्रकार के मोल्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अनस्क्रूइंग मोल्ड, स्प्लिट मोल्ड, स्टैक मोल्ड या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर जो है वो है स्प्लिट मोल्ड। यहाँ पे कुछ स्प्लिट मोल्ड से बनाए हुए प्रोडक्ट और राइट साइड में स्प्लिट मोल्ड का उदाहरण दिया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लेड इजेक्शन तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी किस प्रकार के प्रोडक्ट को निकालने के लिए ब्लेड इजेक्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन है वृत्ताकार रिब यानी कि सर्कुलर रिब को निकालने के लिए, बॉसेस को निकालने के लिए या आयताकार रिब के लिए या त्रिभुजाकार पार्ट को इजेक्ट करने के लिए ब्लेड इजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों राइट आंसर जो है वो है सी यानी कि आयताकार रिब के लिए, जैसा कि आप में देख पा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रेजिडेंस टाइम ज्यादा होने की स्थिति में क्या होगा। और आपके ऑप्शन ये हैं रिफिलिंग नहीं होगी, मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा, मटेरियल नहीं पिघलेगा या मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। दोस्तों राइट आंसर जो है वह है
डी यानी कि मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा। रेजिडेंस टाइम क्या होता है दोस्तों? हॉपर में मटेरियल द्वारा बिताया गया, हॉपर से लेकर इंजेक्शन तक मटेरियल द्वारा बैरल में बिताया गया टाइम को रेजिडेंस टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक हाइट वर्नियर का अल्पतमांक क्या होता है? यह है मीट्रिक हाइट वर्नियर और इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, 20 mm, 20 micron, 0.02 मीटर या 0.002 किलोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वह है बी, 20 micron। इसका आंसर होता है 0.02 mm, इसको 20 माइक्रोन भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रॉन्स होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर बढ़ाने पर प्रोडक्ट सिंकेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा यानी कि प्रोडक्ट सिंकेज बढ़ना चालू हो जाएगा, या घटेगा, या सामान्य रहेगा, या कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंजेस। दोस्तों राइट आंसर जो है वो है बी यानी कि घटेगा। दोस्तों होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम जो है श्रिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे होल्डिंग टाइम हम बढ़ाएंगे वैसे श्रिंकेज कम होता जाएगा। क्वेश्चन है, एक्मे थ्रेड में कितने डिग्री का एंगल होता है? यह आ गया आपका एक्मे थ्रेड और ऑप्शन इस प्रकार है, 39 डिग्री, 60 डिग्री, 29 डिग्री या 55 डिग्री। और राइट आंसर जो है वो है सी, 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रू का पिच क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर और रूट डायमीटर का अंतर, दो फ्लाइट के बीच की दूरी, फ्लाइट के बीच की चौड़ाई यानी फ्लाइट का विड्थ, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्क्रू का पिच जो होता है वो होता है दो फ्लाइट के बीच की दूरी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मूल टेम्परेचर और श्रिंकेज में क्या संबंध होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एक दूसरे के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों राइट आंसर है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मोल टेम्परेचर श्रिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रिंकेज भी बढ़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किस प्लास्टिक मटेरियल का ट्रेड नेम है? ऑप्शन है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट या पॉलीऑक्सीमेथिलीन। और राइट आंसर है दोस्तों पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, इसको पीटीएफई कहा जाता है। जैसे हम लोग अक्सर शॉप फ्लोर में यूज करते हैं पीटीएफई टेप, वो टेफ्लॉन टेप भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास या कांच बनाने के लिए कौन से प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ ग्लास यानी कि जिसमें गोली पार नहीं कर सकती, यानी बंदूक की गोली पार नहीं कर सकती। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है, मेलामाइन, बेकेलाइट, लेग्जॉन या विनाइल रबर। दोस्तों और इसका राइट आंसर है वह है सी, लेग्जॉन। लेग्जॉन जो है पीसी का ट्रेड नेम होता है, यानी दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं पॉलीकार्बोनेट यानी पीसी का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर से हम क्या माप सकते हैं? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, लंबाई माप सकते हैं, आउटर डायमीटर यानी कि ओडी माप सकते हैं, इनर डायमीटर यानी कि आईडी माप सकते हैं, या गहराई डेप्थ माप सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं मापा जा सकता, या उपरोक्त सभी मापा जा सकता है। और राइट आंसर जो है वो है आपका ई, उपरोक्त सभी, यानी कि हम जो वर्नियर दिखाया गया यहाँ पे इसमें से हम लंबाई, ओडी, आईडी और गहराई सब कुछ नाप सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोल्ड हाइट क्या होता है? कोर की लंबाई, कैविटी की गहराई, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच की दूरी, कैविटी प्लेट और कोर प्लेट के बीच की दूरी। और राइट आंसर है टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच की दूरी को मोल्ड हाइट कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कई जगह इसको मोल्ड थिकनेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसीटी क्या होता है? और ऑप्शन आपके इस प्रकार है, पेशेंट केयर टीम, प्रोडक्शन चेंजओवर टाइम, प्रोडक्शन कैपेसिटी ट्रेसिंग या प्रोफेशनल चेंजेस ट्रेनिंग। और राइट आंसर जो है वो है दोस्तों आपका बी, प्रोडक्ट चेंजओवर टाइम, यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक मोल्ड चेंज में जितना टाइम लगता है, लास्ट प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट से लेके फर्स्ट गुड प्रोडक्ट तक, उस टाइम को पीसीटी यानी कि प्रोडक्ट चेंजओवर टाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंच ऑफ किस मोल्डिंग प्रोसेस से संबंधित है?
और ऑप्शन आपका इस प्रकार है, कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और ट्रांसफर मोल्डिंग। और राइट आंसर है दोस्तों सी, ब्लो मोल्डिंग। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यह ब्लो मोल्डिंग का प्रोडक्ट है और पिंच ऑफ यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंप्रेशन क्या होता है? कोर और कैविटी के बीच का गैप, इजेक्टर प्लेट का गैप, स्पेसर के बीच का गैप या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों राइट आंसर जो है वो है ए, कोर और कैविटी के बीच का गैप कहते हैं जिससे प्रोडक्ट का शेप प्राप्त होता है। दोस्तों आज का यह क्वेश्चन आयर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपके कोई सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।